तो मोबाइल रिपेयरिंग का पार्ट टू में आप आज देखेंगे मोबाइल का जो जितने भी कंपोनेंट है, डायोड, कैपेसिटर, रेजिस्टर, ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, कॉइल, सभी का आज इस वीडियो के अंदर मैं पहचान कराऊंगा। और इसके बाद इसका जो वर्क क्या है, कब इसको क्यों लगाना है और इसको कैसे काम में लेते हैं, तो ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को सब एक स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो सबसे पहले मैं आप थोड़ा सा जूम करके दिखा दूँ, मेरे साथ बहुत सारा एंड्रॉयड का स्केच बोर्ड है जिसके अंदर एक सेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है, सेक्शन का कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों के साथ क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। सेक्शन क्या है और कौन कौन सेक्शन से आपको क्या क्या काम करना चाहिए, तो ये बहुत सारा है आप देख सकते हो। लाइट सेक्शन क्या है, ग्राफिक सेक्शन क्या है, नेटवर्क सेक्शन क्या है, इसके बाद जो और भी सेक्शन होता है, ऑडियो, जो कैमरा सेक्शन होता है क्या है और इसके अंदर कैसे आप इजीली इसको पहचान कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ दोस्तों कुछ कंपोनेंट जो है, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ ये जो कंपोनेंट है। इससे सबसे पहले मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सेक्शन के बारे में बता दूँ, इसके बाद मैं कंपोनेंट की बात करूँगा। तो ये देख सकते हो ये है नेटवर्क सेक्शन, ये जो जितने भी एरिया आप देख सकते हो, ये जो एरिया है जिससे अंदर ये शील्ड लगा हुआ है वो नेटवर्क सेक्शन है। ये है आपका नेटवर्क सेक्शन और WTR 4G PFO। WTR ये है फिल्टर है, बाईपास फिल्टर है। और ये आपका क्या हुआ, ये आपका जो हो गया पावर IC और बहुत सारा आप कंपोनेंट देख सकते हो। ये कंपोनेंट एक वन बाय वन मैं आप लोगों को बता दूं, ये कंपोनेंट जो है सबसे पहले ये है कैपेसिटर, आप देख सकते हो। ये अगर आप इसको अच्छी तरीके से जूम करके देखेंगे तो ये है कैपेसिटर, ये है कैपेसिटर। और इसका जो है ब्राउन कलर का होता है, दोनों साइड में सिल्वर पट्टी होता है, आप देख सकते हो। ये कैपेसिटर इसका जो सिंबल है, मतलब इसका इस तरह से आपको सिंबल देखने को मिलेंगे, आपकी इस तरह एक साइड सिल्वर पट्टी और इसे इस सी से प्रदर्शन करते हैं, C1 मतलब कैपेसिटर। अब डायग्राम में C1 के नाम से इसको जाना जाता है, इसको ये है कैपेसिटर C1, ये कैपेसिटर है। और इसके बाद आप ये देख सकते हो ये है आपका जो है कॉइल। कॉइल का काम क्या है मैं काम बाद में आपको बताऊंगी, आप ही जो है इसका जो आपको पहचान में, इस कॉइल थोड़ा सा मोटी होंगे, थोड़ा सा कॉइल मोटी होंगे और ये ब्लैक कलर का होंगे, आप देख सकते हो ये ब्लैक कलर का होंगे, थोड़ा सा क्या होंगे मोटी होंगे कॉइल। जो मोटी कंपोनेंट है आप देख सकते हो कैपेसिटर के डिफरेंस में, ये बहुत ही मोटी है। और ये है L से इसका प्रदर्शित किया जाता है, L से इसको प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद जो है इसका अंदर जो आप देख सकते हो बहुत सारा जो छोटी 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 कंपोनेंट देखने को मिलेंगे, ये है आपका जो है रजिस्टर। रजिस्टर भी ब्लैक कलर का होता है और साइड में सिल्वर फिट, रजिस्टर भी ये इस तरह होता है ब्लैक कलर का, फुल ब्लैक और साइड में आपका सिल्वर पट्टी देखने को मिलेंगे। तो ये है R से इसका जो डिनोटिंग लेटर है, ये R R से इसका प्रदर्शित करता है, R डिनोटिंग लेटर। तो ये है रजिस्टर, आप देख सकते हो ये वाला रजिस्टर है, ये वाला रजिस्टर है, ये रजिस्टर है। ज़्यादातर रजिस्टर का ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे रजिस्टर। इसके बाद जो है डायोड, डायोड मैं आप लोगों को दिखा दूँ डायोड थोड़ा सा और जूम करके। डायोड ये है डायोड, आप देख सकते हो डायोड का लेग होता है, दोनों साइड का लेग होता है इसका जो डायोड, इसको डायोड कहते हैं। डायोड इस तरह होता है, इस तरह का होता है। और ये जो 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 बड़ा वाला है वो है प्लस, छोटा वाला है माइनस। डायोड का जो सिंबल होता है
इस तरह से ए प्लस और ए माइनस, ए पॉजिटिव ए नेगेटिव, पॉजिटिव ए नेगेटिव होते हैं। तो इस तरह से इसको पहचान करना है। डायोड आप देख सकते हो, डायोड का जो पहचान ये है, आप देख सकते हो ये है डायोड, ये है डायोड, और ये है आपका बूस्ट कॉयल, बूस्ट कॉयल बक कॉयल, ये कॉयल, और ये है आपका जो है छोटी छोटी बहुत सारा कंपोनेंट है इसके अंदर भी, और ये है आपका ईएमसी और ये सीपीयू, और इसके अंदर ये है एलईडी लाइट। तो इस पार्ट में मैं आप लोगों को ये इसका जो क्या कहते हैं, तो ये आपका क्रिस्टल 26 मेगाहर्ट्ज़ का जो क्रिस्टल, तो अगर आप अच्छी तरीके से सब बोर्ड इसको देखेंगे तो इस तरह आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देख सकते हो ये है एस्पेक्ट एसपीडी का सीपीयू है, और ईएमसी है, ये कॉयल है, ये कॉयल है, कैपेसिटर है, और ये बूस्ट कॉयल बाक कॉयल क्रिस्टल, ये क्रिस्टल, और ये आपका जो है 4G 2G 3G इसका जो है WTR, और इसके बाद अब ये सेंसर देखने को मिलेंगे, ये सेंसर जो कान में लेकर आएंगे, इसके बाद ये आपका जो लाइट ऑफ ऑन हो जाता है, सेंसर है सिम ट्रे और ईएमसी ट्रे बैटरी कनेक्टर, और इसके अंदर आपको डायोड देखने को मिलेंगे, ये है ये डायोड फ्यूजिबल डायोड, डायोड का बहुत सारा पार्ट है मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो अगर आप इस तरह से ये देखेंगे तो जितने भी बोर्ड है बोर्ड के अंदर सभी आपको इस तरह देखने को मिलेंगे, मतलब अलग कुछ देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देख लेते हो तो आपका जो 100% आप काम कर सकते हो। तो ये आपका जो है आप देख सकते हो, अलग कुछ कंपोनेंट नहीं है, ये कपलर मतलब जो एक साथ लगा हुआ रहता है, ये कपलर का था, मतलब क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल, और ये बैटरी है क्लॉक बैटरी, ओम्स का रेजिस्टेंस है 100 ओम्स का, और एक स्कैप बोर्ड है, इसके अंदर भी आपको ये देखने को मिलेंगे, सेम टू सेम आपको ये प्रोसेस देखने को मिलेंगे। तो आई होप थोड़ा बहुत इसको आपको इंफॉर्मेशन मिले होंगे। ये जेनर डायोड है, आप देख सकते हो ये जेनर डायोड है, इसका काम हुआ है, इसके बाद आप बहुत सारा ये देख सकते हो। तो आई होप थोड़ा बहुत इस वीडियो के आपको क्या है, इस वीडियो से आपको बहुत कंपोनेंट का जो पहचान आप इजीली कर सकते हो, कोई भी कंपोनेंट इसको आप इजीली पहचान कर सकते हो, कैपेसिटर डायोड ट्रांजिस्टर मॉसफेट जो है, इसके बाद छोटा छोटा आईसी जो है, आईसी का ये ही काम है, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप मैं एक कंपोनेंट करके मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आज का वीडियो यही था, मिलता है अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।